अगले प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1/2 इंटू 1 - 1/8 प्लस 1 × 3/1 × 16 माइनस 1 × 3 × 5/8 × 16 × 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे भी पद हैं अनंत तक। इसका मान है 1/√5। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यह मान करके चलेंगे कि माना कि श्रेणी 1 × 1/8 + 1 × 3/8 × 16 − 1 × 3 × 5 − 8 × 16 × 24 का योग 1 + x^n है, यह हम मान करके चलेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि 1 + x^n ये होता है 1 + n(x) + n(n-1) / 1 × 2x² + n(n-1) × n-2) / 1 × 2 × 3 × x³ इस तरीके से आपको आगे पद मिलते हैं। तो इन दोनों श्रेणियों में दूसरे और तीसरे पदों की तुलना करेंगे। तो आपको मिल जाएगा (nx = −1/8). देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर nx है और यहाँ पर −1/8 है, और यहाँ पर (n·n-1/1 × 2) है, और यहाँ पर आपको यह पद मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है और (n·n-1) / 1 × 2 × x² = 1 × 3/8 × 16। माना यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को भाग देते हैं समीकरण 1 के वर्ग से, तो आपको मिल जाएगा (n·n-1) / 2n² = 1 × 3/8 × 16 × 8² आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा (n-1) और ये n और इसका 1 घात का n कैंसिल हो गया, (2n = 1 × 3/2 घात 2 है 8 में और यहाँ पर 1 घात कैंसिल, और फिर ये 8 × 2 = 16 है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो ये 1 × 3/2। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा (n-1) = 3n या फिर (2n = −1), तो यहाँ से आपको मिल जाएगा (n = −1/2), तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं, समीकरण 1 ये है, n का मान है (√x) = (√8), तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1/4, तो n का मान मिल चुका है, x का मान मिल चुका है, तो इसका मतलब ये कि इस प्रकार हम 1 + x^n, यहाँ पर x के स्थान पर आप 1/4 लिख सकते हैं और n के स्थान पर (√1/2) लिख सकते हैं, तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा 5/4। देखिए इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 5/4, इसका घात है (√1/2), तो इसे आप 4/5 / 1/2 लिख सकते हैं। अंश को हर में और हर को अंश में बदलेंगे तो ये घात जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। 1/2 का मतलब है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल ये। तो इस प्रकार आगे हम लिख सकते हैं कि ये जो पद है 1 - 1/8 + 1 × 3 /
8 इंटू 16 एंड सो ऑन, इसका योग हमने माना था 1 प्लस एक्स पूरे का घात n, यहाँ पर 1 बटे दो बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 1 बटे दो गुना 1 ऋण 1 बटे 8 धन 1 गुना 3 बटे 8 गुना 16, और फिर इस तरीके से ये अगला पद अनंत तक, और ये है 2 बटे वर्गमूल 5 था, तो ये दोनों का गुणा जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 बटे वर्गमूल 5, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया गया है 1 प्लस 3x पूरे का घात 1 बटे 2 और 1 माइनस 2x पूरे का घात 1 बटे 3 के प्रसार में प्रथम तीन पद लिखिए। तो चलिए प्रथम तीन पद हम लिखते हैं, 1 प्लस 3x का पावर यहाँ पर 1 बाई 2 है, और फिर ये 1 माइनस 2x और पूरे का पावर में है 1 बाई 3। तो इसका मतलब ये कि इस पद का विस्तार और इस पद का विस्तार दोनों का गुणा करेंगे, और गुणा करके थोड़ा सरल करेंगे, और फिर उससे हमको प्रथम तीन पद मिल जाएंगे। और हमेशा घातों के बढ़ते हुए क्रम में हम पदों को लिखते हैं। तो पहले पद का जब आप विस्तार करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3x प्लस 1 बाई 2 और फिर 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 3x का स्क्वायर। इस तरीके से आपको पहला पद मिलेगा, और फिर इसी के साथ गुणा में ये दूसरे पद का हम विस्तार लिख रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 इंटू माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और माइनस 2x का घात यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे के पद मिलेंगे। तो यदि आप इसे थोड़ा सरल कर लें, ये जो फैक्टोरियल वाले जो पद हैं इसको सरल करें, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2x माइनस 9 बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला पद 1 माइनस 2 बाई 3x, ये माइनस है तो ये वाला पद जो होगा ये प्लस के साथ आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव के बाद में ये वाला पद नेगेटिव होगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो इस एक का गुणा इस एक के साथ करेंगे तब हमें अचर पद मिलेगा, फिर दूसरा एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो आपको चर पद मिलेगा, और 3y2x का गुणा एक के साथ करेंगे तब आपको चर पद मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से हमने x को वैनिश निकाल लिया, तो ये 3 बटे 2 और फिर अगला ऋण 2 बटे 3 x, तो ऋण x का घात 2, यहाँ पर ऋण 9 बटे 8 है, यहाँ से हमने ऋण x का घात 2 कॉमन ले लिया है, तो 9 बटे 8 यहाँ पर मिलेगा जब इस पद का गुणा आप एक के साथ करेंगे। दूसरा 3 बटे 2 x का गुणा आप इस पद के साथ करेंगे तब भी आपको x का घात 2 मिलेगा, और ये 4 बटे 9 x का घात 2 का गुणा एक के साथ होगा तब भी आपको x का घात 2 मिलेगा। तो इसको हमने लिखा है 9 बटे 8 फिर धन ये 4 बटे 9 का गुणा एक के साथ, फिर 3 बटे 2 वाले पद का गुणा इसके साथ, तो ये 2 बटे 3। इस तरीके से आगे आपको पद मिलेंगे। आगे सरल करते हैं, एक धन इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 9 ऋण 4 बटे 3 और ये x, और फिर ऋण 9 नियम 81 और 8 चौक 32 और 6 नियम 72 और ये 72 इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा, और ये x का घात 2। इस तरीके से आगे पद मिलेंगे। इसे और आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 धन 5 बटे 6x ऋण 185 बटे 72 एक्स का घात 2, और यही तीन पदों तक लिखने के लिए कहा गया था, तो यही इसका उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया गया है यदि 1 प्लस एक्स पूरे का घात n के प्रसार में विषम पदों का योगफल कैपिटल A और सम पदों का योगफल कैपिटल B हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का घात n। यह हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो
द्विपद प्रमेय का उपयोग करके इसे हम सरल करेंगे। तो आपको पता है कि द्विपद प्रमेय से 1 + x^n, इसे पूरे का घात n, तो इसे हम लिखते हैं 1 + nc1x + nc2x² + nc3x³, और इस तरीके से अंत में आता है ncn और x का घात n। तो यहाँ पर कहा गया है विषम पदों का योगफल। विषम पद मतलब पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, इस तरीके से। तो पहला पद है 1, फिर तीसरा पद है nc2x^2 + nc4x^4 एंड सो ऑन, और इसे प्रश्न में कहा गया है कि ये कैपिटल A है। इसी प्रकार सम पदों का योगफल, सम पद अर्थात दूसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से। तो nc1x + nc3x³ + nc5x^5 एंड सो ऑन, और इसे कैपिटल B माना गया है। अब चूंकि 1 + x^n सम और विषम पदों का योगफल ही आपको मिलेगा a + b, तो मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब हम देखते हैं कि 1 - x^n, इसे आप लिखते हैं 1 - nc1x + nc2x^2, फिर -nc3x^3 + nc4x^4, और फिर ये माइनस। तो इस तरीके से ये आप लिखते हैं n-1 पदों तक। यह सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये nc2x^2 + nc4x^4 एंड सो ऑन, फिर ऋण चिन्ह nc1x + nc3x^3 + nc5x^5, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 - x^n = a - b, मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 के संगत पदों का गुणा करेंगे। तब आपको मिल जाएगा 1 - x² और पूरे का घात n बराबर a² - b² या फिर आप इससे लिख सकते हैं कि a² - b² = 1 - x² पूरे का घात n, और यही हमें सिद्ध करने कहा गया था। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 1 - x³³ के विस्तार में 3p - 1वें पद का गुणांक p - 5वें पद के गुणांक के बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यापक पद आपको पता है, द्विपद प्रमेय के प्रसार में हम व्यापक पद कैसे लिखते हैं। तो 1 + x^32 के प्रसार में 3p + 1वां पद आपको निकालना होगा, तो ncr, तो 32c और r आप लिखेंगे 3p, क्योंकि r प्लस 1वां पद होता है, तो r के स्थान पर आप यहाँ पर 3p लिखेंगे। तो ये मिल जाएगा 32c 3p और फिर x^3p। इसी प्रकार 1 + x^32 के प्रसार में p + 5वां पद, तो आप लिखेंगे 32c p·4 और x^4। प्रश्नानुसार इसके प्रसार में 3p + 1वां पद का जो गुणांक है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। 1 + x^32 के प्रसार में 3p प्लस
वनवे पद का गुणांक बराबर पी प्लस पांचवे पद का गुणांक। तो ये जाएगा 32 सी तीन पी बराबर 32 सी पी धन चार। तो पूरक संचय का उपयोग करके इस पद को आप लिख सकते हैं, पहले तो 32 सी तीन पी बराबर 32 सी 32 ऋण पी ऋण चार। जब इसको आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32 सी 28 ऋण पी। देखिए ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर 32, यहाँ पर 32, यहाँ पर 3p और यहाँ पर 28 ऋण p। तो आप लिखेंगे कि तुलना करने पर 3p बराबर 28 ऋण p, ये p इधर आकर के जुड़ जाएगा तो मिल जाएगा 4p बराबर 28। तो यहाँ से 7 चौक 28 होता है तो आपको मिल जाएगा p बराबर 7। p का मान हमें 7 प्राप्त हो चुका है और यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगले प्रश्न में दिया गया है एक धन एक्स पूरे का घात 11 के विस्तार में पांचवा पद तीसरे पद का 24 गुना हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो आपको व्यापक पद पता है, हम लिखते हैं टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर और ए का पावर आर। पांचवा पद और तीसरे पद की बात की गई है तो हम पांचवा पद लिखने के लिए लिखेंगे टी पाँच बराबर टी चार धन एक बराबर, चूंकि एक धन एक्स पूरे का घात 11 है तो एन के स्थान पर हम लिखेंगे 11 सी चार और एक्स के स्थान पर है एक और इसका घात 11 ऋण चार और ए के स्थान पर है एक्स, तो एक्स का घात ये चार। और टी थ्री निकालना है तो आप लिखेंगे टी टू प्लस वन इक्वल टू ये हो जाएगा 11 सी टू वन का पावर 11 माइनस टू और x का पावर 2। प्रश्नानुसार यह दिया गया है कि पांचवा पद तीसरे पद का 24 गुना है तो आप लिखेंगे टी फाइव इक्वल टू 24 इंटू टी थ्री। तो टी फाइव ये हो जाएगा 11 सी फोर एक्स का पावर 4 इक्वल टू 24 इंटू 11 सी टू एक्स का पावर 2। तो आगे इसको सरल कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा एक्स का पावर 4 और ये नीचे आ जाएगा एक्स का पावर 2 इक्वल टू 24। 11 सी टू को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 और ये 11 सी 4 नीचे आ जाएगा तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इस प्रकार जब अभी से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यही हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि एक धन एक्स पूरे का घात एन के विस्तार में नौवें दसवें और ग्यारहवें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो चीज़ें जो दी गई है वह यह कि 1 प्लस एक्स पूरे का घात n के प्रसार में नौवें दसवें और ग्यारहवें पदों के गुणांक नौवां पद NC8 दसवां पद NC9 और ग्यारहवां पद NC10 यह समांतर श्रेणी में है। तो इसका मतलब ये कि दूसरा पद ऋण पहला पद आपको मिल जाएगा सार्वंतर और तीसरा पद ऋण दूसरा पद ये भी आपको मिल जाएगा सार्वंतर। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से आप लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा से आप लिख सकते हैं NC9 माइनस NC8 इक्वल टू NC10 माइनस NC9। तो NCR का फार्मूला आपको पता है, ये मिल जाएगा
ये मिल जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल और n माइनस 9 का फैक्टोरियल, माइनस n फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल और n माइनस 10 का फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल n 9 और ये n माइनस 9। तो आगे हमें इसे सरल करना है। प्रत्येक पदों के अंशों में दोनों पक्षों पर फैक्टोरियल n कॉमन है, उभयनिष्ठ निकाल कर इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो आगे हमें मिल जाएगा 1/9 और 9 का फैक्टोरियल को 9 गुना 8 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं और n ऋण 9 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार 1 ऋण 8 का फैक्टोरियल और n ऋण 8 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n ऋण 8 और ये n ऋण 9 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/10 और ये 9 का फैक्टोरियल और ये 9 ऋण 10 का फैक्टोरियल, फिर ऋण 1/9 का फैक्टोरियल, n ऋण 9 और ये n ऋण 10 का फैक्टोरियल। तो इसके प्रथम दोनों पदों में या लेफ्ट साइड के जितने भी पद हैं इसमें 1/8 का फैक्टोरियल और n ऋण 9 का फैक्टोरियल आप उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको मिल जाएगा 1/9 ऋण 1/n ऋण 8 बराबर। राइट साइड में जो पद हैं दोनों पद उसमें 1/9 का फैक्टोरियल और n ऋण 10 का फैक्टोरियल हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, ये मिल जाएगा 1/10 ऋण 1/n ऋण 9। तो देखिए 9 को आप 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, 9 को आप 9 गुना 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये जो n ऋण 9 का फैक्टोरियल को n ऋण 9 गुना n ऋण 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। चलिए आगे सरल करते हैं, ये हो गया n ऋण 9 और ये n ऋण 10 का फैक्टोरियल और ये 1। इन दोनों का जब लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो 9 गुना n ऋण 8 और n ऋण 8 ऋण 9 बराबर 1/9 गुना 8 का फैक्टोरियल और ये 9 ऋण 10 का फैक्टोरियल और इसे जब आप सरल करेंगे तो 10 गुना 9 ऋण 9 n ऋण 9 और ये मिल जाएगा n ऋण 9 ऋण 10। तो देखिए ये 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n ऋण 10 का फैक्टोरियल n ऋण 10 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब जो पद बच गए हैं वो ये कि ये 9 है, यहाँ से ये 9 और ये 9 कैंसिल। अब इसके बाद कोई और पद नहीं बचा है सरल करने को, तो चलिए इसे आगे लिखते हैं। n ऋण 17 इसको सरल करेंगे और यहाँ पर n ऋण 9 है और यहाँ पर भी n ऋण 9 है, यहाँ पर ये n ऋण 8 ये बचा हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में n माइनस 19 हो जाएगा और ये 10 केवल बचा हुआ है। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे और हमें एक वर्ग समीकरण मिलेगा, उसे हमें सरल करना होगा। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 10 गुणा n ऋण 17 बराबर n ऋण 8 और n ऋण 19। चलिए आगे सरल करते हैं, ये मिल जाएगा 10n माइनस 170 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 8n और 19 और 8 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 152। तो ये एक वर्ग समीकरण है, ये लेफ्ट में जो पद है उसे राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें वर्ग समीकरण मिल रहा है n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 332 बराबर 0।
वर्ग समीकरण को आप वर्ग समीकरण को आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर मध्य पथ को तोड़कर भी सरल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मध्य पथ का विभाजन कर रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 14n माइनस 23n प्लस 332 इक्वल टू ज़ीरो। यदि प्रथम दोनों पद से आप n कॉमन लें तो मिलेगा n माइनस 14, और अंतिम दोनों पदों से आप 23 कॉमन लेंगे तो मिलेगा n माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। दोनों पदों पर n माइनस 14 है, कॉमन ले सकते हैं, ये n माइनस 23 इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों पदों का गुणनफल शून्य है, तो दोनों अलग अलग शून्य के बराबर हो सकता है, तो n इक्वल टू 14 या फिर n इक्वल टू 23, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, माना n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a माइनस b का होल पावर n के विस्तार में पाँचवें और छठवें पदों का योग शून्य हो तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन b इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन 5। तो हमें यह पता है कि r प्लस 1 एक व्यापक पद होता है द्विपद प्रमेय के प्रसार में, और इसे हम लिखते हैं एन सी आर एक्स का पावर n माइनस r और a का पावर r। तो यहाँ पर r बराबर 4 रख दें और n तो n के बराबर है, x के स्थान पर आप a लिख देंगे और a के स्थान पर आप माइनस b लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो टी आर प्लस 1 है इसे हम लिख पाएंगे टी 4 प्लस 1 इक्वल टू एन सी 4, एक्स के स्थान पर आपको a लिखना है, तो ये हो जाएगा a का पावर n माइनस 4 और फिर माइनस b का पावर 4। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी 5 इक्वल टू एन सी 4 a का पावर n माइनस 4 और b का पावर 4। मान लेते हैं कि समीकरण एक है, फिर से टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर ए का पावर r। यहाँ पर यदि आप r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टी 5 प्लस 1 इक्वल टू टी 6, छठवां पद आपको मिल जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं एन सी 5 a का पावर n माइनस 5 और माइनस b का पावर 5। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा टी 6 इक्वल टू माइनस एन सी 5 ए का पावर एन माइनस 5 ए का पावर एन माइनस 5 और बी का पावर 5। माना ये समीकरण दो है, तो हमें यह दिया गया है कि पांचवे और छठवें पदों का योगफल शून्य है, तो इसका उपयोग करेंगे समीकरण एक और दो से मान को रख देते हैं और फिर हम आगे सरल करेंगे। चूंकि दिया गया है कि टी 5 प्लस टी 6 इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे एन सी 4 ए का पावर एन माइनस 4 बी का पावर 4 माइनस एन सी 5 a का पावर n माइनस 5 और b का पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये जो पद हैं इसे हम पक्षांतर कर देते हैं और हम लिख पाएंगे एन सी 4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4 इक्वल टू एन सी 5 a का पावर n माइनस 5 और b का पावर 5। तो एन सी 4 को आप लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल और n ऋण 4 का फैक्टोरियल, और a का घात है n ऋण 4 और b का घात है 4। एन सी 5 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 और ये n ऋण 5 का फैक्टोरियल, और फिर a का घात n ऋण 5 और b का घात 5। तो इसे जब हम आगे सरल करेंगे तो दोनों से n का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे 4 का फैक्टोरियल और n ऋण 4 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n ऋण 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और a का घात n ऋण 4 और b का घात 4 बराबर 1 बटे 5 गुना 4 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, और ये n ऋण 5 का फैक्टोरियल, a का घात n ऋण 5 और b का घात है 5। तो देखिए ये 4 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा,
एन ऋण पाँच का फैक्टोरियल एन ऋण पाँच के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा हुआ है एन माइनस फोर और यहाँ पर ये फाइव, तो आगे इसे सरल करेंगे, इसको हम उल्टा ले लेते हैं, तो ये n माइनस फोर और a का पावर n माइनस फोर b का पावर फोर इक्वल टू फाइव अपॉन a का पावर n माइनस फाइव और b का पावर फाइव। इसे जब आप पक्षांतर करेंगे तो n माइनस फोर अपॉन फाइव इधर आ जाएगा और इस पद को हम अंश में ले जाते हैं, तो a का पावर n माइनस फोर b का पावर फोर अपॉन a का पावर n माइनस फाइव और b का पावर फाइव। जब इसको सरल करेंगे तो a बटे b आएगा और इस प्रकार आप लिख पाएंगे n माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू a अपॉन फाइव, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो का घात एक बटे चार धन एक बटे तीन का घात एक बटे चार और पूरे का घात n के प्रसार में आरंभ से पाँचवें और अंत से पाँचवें पद का अनुपात वर्गमूल छः अनुपात एक है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये दिया गया है कुछ इस तरीके से, का घात n है, तो ये दो का चतुर्थ मूल है या फिर दो का घात एक बटे चार, और इसी तरीके से ये तीन का चतुर्थ मूल है या फिर तीन का घात एक बटे चार, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो दो का घात एक बटे चार धन एक बटे तीन का घात एक बटे चार और पूरे का घात n, या फिर इसे आप लिख सकते हैं दो का घात एक बटे चार धन तीन का घात ऋण एक बटे चार और पूरे का घात n। आपको यह पता है कि x प्लस a का घात n के विस्तार में जो व्यापक पद होता है उसे हम लिखते हैं टी आर प्लस वन, ये होता है एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर a का पावर r। यदि यहाँ पर r इक्वल टू चार रख दें और x का मान दो का घात एक बटे चार और a का मान तीन का घात एक बटे ऋण एक बटे चार ये रख दें, तो आरंभ से पांचवा पद इसे हम लिखेंगे t5 इक्वल टू t4 प्लस वन एन सी आर, तो r के स्थान पर यहाँ पर है 4, तो एन सी फोर एक्स का पावर n माइनस आर और x के स्थान पर है दो का घात एक बटे चार एन माइनस आर, तो ये n माइनस फोर फिर a का पावर r, तो तीन का घात ऋण एक बटे चार है और उसका घात जो है ये चार है। आगे इसे सरल करते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एन सी फोर, और आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a का पावर n और उसका पावर n होता है, तो ये a का घात m गुना n हो जाता है। तो सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो का घात n ऋण चार बटे चार, और इसी तरीके से इसमें सरल करेंगे तो तीन का घात ऋण एक ये प्राप्त होगा। तो आगे इसे आप लिख सकते हैं एन सी फोर टू का पावर n माइनस फोर अपॉन थ्री। अब a प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में टी आर प्लस वन इक्वल टू लिखेंगे एन सी आर, देखिए a के स्थान x के स्थान पर हमने a लिखा है और a के स्थान पर हमने x लिखा है, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा a का पावर n माइनस आर और x का पावर r आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप a इक्वल टू थ्री का पावर माइनस वन बाई फोर एक्स इक्वल टू टू का पावर वन बाई फोर और r इक्वल टू
4 रखेंगे, तब आगे देखते हैं कि क्या मिलेगा। x प्लस ए का पावर n के विस्तार में अंत से पांचवा पद बराबर होगा a प्लस x का पावर n के विस्तार में आरंभ से पांचवा पद। तो आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस एक के विस्तार में अंत से पांचवा पद जो है वो इसके विस्तार में प्रारंभ से पांचवा पद होगा। यहाँ में यहाँ पर हमने पदों को बदल दिया है। तो इस प्रकार यदि इसे आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा एन सी फोर, थ्री का पावर माइनस वन बाई फोर और इसका पावर में है एन माइनस फोर। इसी तरीके से टू का पावर वन बाई फोर और इसका पावर फोर। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एन सी फोर, थ्री का पावर फोर माइनस एन अपॉन फोर इंटू टू। अब आगे दिया है कि आरंभ से पांचवा पद और अंत से पांचवा पद दोनों का अनुपात वर्गमूल 6:1 है। दिया है x प्लस ए का पावर n के विस्तार में आरंभ से पांचवा पद बराबर बटे अंत से पांचवा पद, दोनों का अनुपात दिया है वर्गमूल 6:1। मान हमने निकाला है इसके पहले, ये है एन सी फोर, यहाँ पर 2 का घात में है n ऋण 4 बटे 4 और फिर अनुपात में अंत से पांचवा पद, ये हम लोगों ने निकाला है। 3 गुना एन सी 4 और 3 का घात 4 ऋण n बटे 4 गुना 2 बराबर वर्गमूल 6:1। तो आरंभ से पांचवा पद जो है वो हमें मिला था एन सी 4 2 का पावर n माइनस 4 अपॉन 4 अपॉन 3, ये जो 3 है ये आरंभ से पांचवा पद के अनुपात में था, और फिर अंत से पांचवा पद एन सी 4 इंटू 3 का पावर 4 माइनस एन अपॉन 4 इंटू 2। अब इसे हम सरल करते हैं, तो देखिए ये 3 है और ये 3 है, आधार समान होने पर गुणा करने पर घात जुड़ता है। तो यदि इसे हम सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एन सी 4 और एन सी 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर है एन माइनस 4 अपॉन 4 और ये 2 माइनस में आएगा, और इसी प्रकार 3 का पावर 4 माइनस एन अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 अपॉन 1। इसे सरल करने के लिए हम 3 और 6 का गुणा करके इसे पक्षांतर कर देते हैं, और यहाँ पर ये एन सी 4 और ये एन सी 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर में n माइनस 4 अपॉन 4 है और ये 3 का पावर है 4 माइनस n अपॉन 4, और 3 और 2 का गुणा करके हमने पक्षांतर कर दिया तो आपको मिल गया 6 वर्गमूल 6। तो यदि इसके क्रम में आप परिवर्तन करें तो ये n माइनस 4 हो जाएगा, देखिए ये 2 का घात n ऋण 4 बटे 4 है, और यदि इस 3 को आप अंश में ले जाते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, जब घात ऋणात्मक हो जाएगी तो ये ऋण माइनस 4 और ये प्लस n हो जाएगा, तो ये n माइनस 4 अपॉन 4 हो गया, और 6 का पावर ये 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2, 2 और 3 और दोनों के घात समान है तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6 का घात, आपको मिल जाएगा n माइनस 4 अपॉन 4, और इसको जब सरल करेंगे तो 6 का घात 3 बटे 2 आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोनों का आधार समान है और संख्याएं समान है तो घात भी समान हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 2। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू 6, और आगे सॉल्व करेंगे
तो मिल जाएगा n इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो हमें प्राप्त हो चुका n का मान 10, और यही हमें ज्ञात करना था।